कांग्रेस पर जो है एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसी जमानत पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पूरी पार्टी जो है वो बेलपुरी है। तंज कसते हुए नजर आए सुब्रमण्यम स्वामी। हालांकि जिस तरीके से हुड्डा को जमानत मिली, चूंकि मानेसर लैंड डील जो मामला था उसको लेकर तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हुड्डा को घेर रहे थे, तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि अब उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक होती हुई नजर आई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ट्वीट के तौर पर सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा पूरी पार्टी बेलपुरी पार्टी है। तंज कसते हुए नजर आए और एक मौका भुनाने में पीछे नहीं हटे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई पलटवार नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से जमानत हुड्डा को मिली है, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला अभी आगे देखने को मिल सकता है। शुरुआत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा और उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी बेलपुरी पार्टी है, पूरी पार्टी बेल पर ही चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस को बेलपुरी पार्टी बताया है, एक अलग ही अंदाज में तंज कसते हुए नजर आए। हालांकि अगर अब जमानत मिल गई है, पहले चूंकि पूरा मामला था इसको लेकर कांग्रेस को घेरते थे जो बीजेपी है या फिर बीजेपी के नेता हैं, और चूंकि अब जमानत मिल गई है तो इसको भी उन्होंने पूरा भुनाया। हरियाणा में पूरे चरम पर है जो राजनीति है और आने वाले चुनावों में इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, हुड्डा को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर उनको घेरा जाता था, लेकिन अब जमानत मिल गई है तो उनको फायदा हो सकता है इस चीज का। प्रदीप कुमार इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक तरफ तो हुड्डा को जमानत मिल गई है, पहले इसी केस में इसी मुद्दे पर जो बीजेपी है वो उनको घेर रही थी, अब चूंकि जमानत मिल गई है तो इस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो बेलपुरी पार्टी है। देखिए बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं और लगातार वो विवादित बयान भी देते हैं। निश्चित तौर पर एक मामला अदालत में चल रहा था, बेल मिली है, मानेसर जमीन आवंटन को सिलसिला मामला है, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमला हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी और बेलपुरी पार्टी। यानी अगर जमानत की बात करें तो किस तरीके से जो जो अलग अलग मामले चल रहे हैं और जिस तरीके से उस मामले में जमानत लगातार हुई है कांग्रेस नेताओं की, तो उसमें याद होगा आपको कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, वो भी जमानत पर है ये दावा करते हैं कांग्रेस के नेता कि वो इन मामलों में साजिशों फंसाए गए हैं। दूसरी तरफ प्रदीप, आपको रोकना चाहेंगे, ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का जो उन्होंने किया है हुड्डा को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर। हुड्डा की जमानत के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, हुड्डा एक्ससीएम हरियाणा टू गेट्स बेल, कांग्रेस इज बेलपुरी पार्टी। तंज कसते हुए नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी पर। तो ये वो ट्वीट आपको दिखा रही हैं प्रदीप। प्रदीप आप हमें सुन पा रहे हैं? सोनिया गांधी जमानत पर है, उसके जो नेशनल हेल्थ केस शुरू हुआ था उसके बाद से लगातार जमानत पर सवाल उठाते रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। लिहाजा जो कि मामला है ताजा मामला मानेसर आवंटन से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर हुए हैं, उसके बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सवाल पूछ रहे हैं कि पार्टी की नेता वरिष्ठ नेता जमानत पर है, आखिर क्यों ना उनको बेलपुरी पार्टी कहा जाए, और इसलिए उस अंदाज में ट्वीट करके निशाना साधा है सुब्रमण्यम स्वामी। प्रदीप, हुड्डा को जिस तरीके से जमानत मिली है, क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि एक धब्बा लगा हुआ था वो हट गया? देखिए बिल्कुल बड़ी राहत है ये, और जिस तरीके से एक के बाद एक उसके खिलाफ जो सबूत जुटाने का दावा सीबीआई की ओर से किया गया था, ये जरूर है कि वहां पर नाकामी आने लगी और कोर्ट ने उसके आधार पर ये जमानत दी है। फिलहाल मामला चल रहा है, आगे क्या सीबीआई पक्ष रखने वाली है ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिली है। वो तर्क दे रहे थे कि उनको साजिश में फंसाया जा रहा है, अब उनको कहने का मौका मिलेगा कि बिना सबूतों के आधार पर उन पर कार्रवाई की गई थी और इसीलिए जमानत का आधार बना और अब उसको लेकर सियासी तौर पर वो यहाँ पर राहत महसूस कर रहे हैं। विरोधियों पर निश्चित तौर पर हमला बोलेंगे और कहेंगे कि ये उनको जो पूरा घटनाक्रम हुआ था ये लगातार इस पूरे मामले में बदले की सियासत लगातार
उधम सिंह हुड्डा के हैं, अभी शाह के वो जरूर ये तर्क रखेंगे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जमानत मिली है और जमानत के बहाने सुब्रमण्य स्वामी ने निशाना साध दिया है कांग्रेस की लीडरशिप पर, उन पर ये ताजा ट्वीट करके हमला बोला है।